हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सीखेंगे ज़िलेदान कैसे बनाते हैं। ये हमने कलाम पाक के ज़िलेदान बनाए हैं। ये फोम वाला ज़िलेदान है, ये अस्तर वाला ज़िलेदान है। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमने चकोर कपड़ा लिया है और ये हमारा नाप है। बस कलाम पाक का यही नाप होता है। हमें एक इंच कम करके कपड़ा रखना है, एक कोना पकड़ कर। अब ये दूसरा कोना हमें इसी पर ही मिलाना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब कलाम पाक को हम रख देंगे एक साइड और यहाँ से हम नाप लेंगे कि हमारा कपड़ा कितना है। ये हमारा है 18 इंच। वैसे 17 इंच की जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये अस्तर वाला है। 18 इंच कपड़ा लिया है। अब हमने चारों तरफ से 18-18 इंच कपड़ा करना है, बिल्कुल चकोर एक रुमाल की तरह। ये जो हमने ज़िलेदान की जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये कोई सी भी ज़िले हमारा कलाम पाक कोई सा भी हो, उसमें सब में फिट आ जाएगा। और 17 इंच भी बहुत अच्छे से फिटिंग में आ जाता है। अब देखो, ये इस तरीके से है, बिल्कुल रुमाल की तरह। और ये लगाएंगे हम इसमें अस्तर। अब करेंगे हैं अस्तर की कटिंग। ये इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख कर और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये भी हमने बिल्कुल चकोर कटिंग कर ली है और ये हमने इस पर उल्टे पर रखा है। और ये हम इस पर लगाएंगे लेस। अब हमें इस पर इसको चिपकाना है अच्छी तरीके से। हमें चारों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगानी है, एक एक पैर की। ये इस तरीके से ये मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है, इस तरीके से। और दोनों साइड में लेस लगाऊंगी और ये जो दो साइड है उधर से सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ से मैं इसमें उल्टे की तरफ मैंने इसको लेस को रखा है और सीधी तरफ मैं इसको पलट दूँगी। ये ईद के लिए हम कुरान शरीफ के ज़िलेदान बना रहे हैं। ये सीधा है, ये उल्टा है। अब मैं इसको सीधी तरफ इसको इस तरीके से पलट दूंगी और एक सिलाई मैं यहाँ से किनारे की लगाऊंगी इस पर। बहुत ही सफाई के साथ ये सिलाई लगानी है, ताकि हमारा कपड़ा भी बाहर की तरफ ना दिखाई दे। अब ये सिलाई पूरी हो चुकी है हमारी और ये जो हमारी बाकी दो साइड बची है, अब इनको इस तरीके से हम मिलाकर एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इसको इसमें बराबर मिलाते हुए यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे हम, इसको पक्का करके। देखो, हमारा ज़िलेदान बन के तैयार है। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये कैंची की नोक की मदद से हम इसके जो कोने हैं इनको बाहर निकाल लेंगे और अब लगाएंगे हम इसमें ये जो लेस हमने इस पर लगाई है, वही लेस हम इस पर डोरी की जगह लगाएंगे। डोरी हमने नहीं बनाई, इसमें इसी लेस को लगाएंगे। इस तरीके से अभी हमारा ज़िलेदान बन के तैयार है। सत्रह इंच चकोर कपड़े की जब हम कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। चाहे कलाम पाक का भी नाप ना लो, 17 इंच कपड़ा बहुत अच्छे से ज़िलेदान में
कवर हो जाता है, बहुत अच्छी बन जाती है इस तरीके से। आज मैंने ये बहुत सारे जिलेदान बनाए हैं, कुछ मैं अपने घर में रखूँगी क्योंकि मेरे घर में 7-8 कलाम पाक हैं, और कुछ जो हमारे महल्ले में हैं जिन पे जिलेदान बनाने नहीं आते मैं उनको गिफ्ट में दे दूँगी। देखो मैंने बहुत सारे जिलेदान बनाए हैं आज, ये कुछ अस्तर के हैं, कुछ बिना अस्तर के हैं, कोई कोई कढ़ाई वाले हैं। ये ईद की खुशी में मैंने वीडियो बनाई है। अल्लाह हाफिज़।